दोस्तों, अगर आपके नींबू में भी फल नहीं आ रहा है, पौधे को लगाए बहुत समय हो गया है लेकिन उसमें ना फूल आते हैं और ना फल आते हैं। फूल तो आते हैं लेकिन उसके फल नहीं आते, फूल झड़ जाते हैं, पौधा बिल्कुल पीला हो गया है और बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आज हम आपको ऐसा घरेलू उपाय बताने वाले हैं जिसको उपयोग करके आप अपने नींबू के पुराने से पुराने पौधे में भी 12 महीने फल ला सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने भी वही ट्रिक अपनाई है हमारे छोटे से पौधे में किस प्रकार से भर भर के फल आ रहे हैं। तो फ्रेंड चलिए बताते हैं आपको भी। उससे पहले अगर फल हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी नींबू के पौधे लगाए हुए हैं, आपका भी नींबू का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके मिट्टी में उपजाऊपन कम हो गई है। तो दोस्तों, मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए उस पौधे की मिट्टी को चारों तरफ से गुड़ाई कर ले, जिससे उसमें पानी या फिर फर्टिलाइजर्स बहुत अच्छी तरह से जा सके। उसको अच्छी तरह से चारों तरफ से गुड़ाई करने के बाद उसमें थोड़ा सा गोबर का खाद और काली मिट्टी मिक्स कर दे। इससे होगा क्या दोस्तों, आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। उसके 10 से 15 दिनों के बाद उसमें पोटेशियम का खाद डालें, क्योंकि नींबू में पोटेशियम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटेशियम के कमी के कारण ही इसके फूल जो हैं वो झड़ जाते हैं। अगर आप पोटेशियम का खाद डालेंगे तो उसके फूल जो हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे, और जब फूल नहीं गिरेंगे तो आपका फल बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो